शारदीय नवरात्र की षष्ठी तिथि की प्रमुख देवी हैं मां कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इनकी चार भुजाएं हैं। माता की दाहिनी ओर ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। दाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। इनकी पूजा से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा? सबसे पहले चौकी पर माँ कात्यायनी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, शोषण मातृका, सप्तग्रह मातृका की स्थापना करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता कात्यायनी सहित समस्त देवी देवताओं की पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद, अग्न, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फलपान, प्रदक्षिणा, दक्षिणा, आरती, मंत्र और पुष्पांजलि शामिल हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। माँ कात्यायनी का ध्यान मंत्र है, चंद्रहासो ज्वल करा शार्दुला वर वाहना कात्यायनी शुवम दया देवी दान विधातिनी। अर्थात चंद्रहास की तरह देवीपमान, शार्दुल अर्थात शेर पर सवार और दानवों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी हम सब के लिए शुभदायी हों। पूजा करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक और शाम 4:30 से 6 बजे तक। नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा क्यों की जाती है? देवी कात्यायनी नवरात्र के छठे दिन ही पूजी जाती हैं। इनके पूजा करने से रोग, शोक और भय नष्ट हो जाते हैं। लाइफ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नवरात्र देवी की भक्ति का समय है। भक्ति मार्ग पर उतरने से पहले मन से रोग, शोक और डर का भाव हटा देना चाहिए, नहीं तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। माँ कात्यायनी यही सिखाती हैं कि मन में अगर बुरी तरीके की भावना हो तो उसे हटाकर ही भक्ति के मार्ग पर आगे चलना चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।